क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं और आपकी खैरियत हमेशा अल्लाह पाक से अच्छी दुआओं में आपको हमेशा याद रखते हैं। और आज जुमातुल मुबारक है, आपको जुमा भी मुबारक हो, सबको जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं सबको जुमा मुबारक हो। आज मैं बना रही हूँ चावल, आज 11वीं शरीफ है तो मैं चावल बना रही हूँ। ऑयल गर्म कर दिया था मैंने, प्याज डाल दिए और अभी प्याज ब्राउन होंगे तो फिर अदरक लहसुन का पेस्ट आ जाएगी। आज जुमा तो मुबारक है तो आज घर में इनके पापा को भी ब्रेक है 1 घंटे की जुमे की, तो वो भी घर पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक, सबको जुमा तो मुबारक। इनकी इनकी है ना फैक्ट्री नज़दीक ही है तो सुबह बाइक घर से ले गए थे तो इसलिए आसानी से आ गए, नहीं तो रिक्शे पे जाना आना पड़ता है, तो आज बाइक लेके गए थे इसलिए जल्दी आ गए। अब खाना खा के जाएंगे दोपहर का, तो शाम की रूटीन में वही जो हंडिया बनाते हैं हम वो बनाएंगे। तो अभी दोपहर को चावल बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि 11वीं शरीफ का ना जनाब वक्त पाक का खत्म हम दिलाते हैं हर महीने, तो वही चावल मैं बना रही हूँ। लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया, मिर्चें भी इसके साथ हमारी नहीं अभी नहीं साथ में इसका कुछ मिर्चें भी है वो भी डाल दी। प्याज ब्राउन हो गए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अब टमाटर डालते हैं। और सूखे मसाले डालते हैं, जड़ा मिर्च, नमक, कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला। अब मैं डाल रही हूँ आलू मटर, आजकल मटर हीरो बने हुए हैं। बस अपनी अपनी चॉइस है, किसी को मटर पुलाव पसंद होता है, किसी को चना पुलाव। हमें मटर पुलाव भी पसंद है, चिकन पुलाव भी पसंद है। क्या हाल है आप सब? क्या ही हो, सब ठीक होंगे? आप सबको जुम्मा मुबारक। तो मैं खाना बना रही हूँ और पास बैठी हूँ। आज सब कुछ अम्मी ने कुक किया है, सब्जी की खुद ही बनाई है, चावल कुक चुने हैं, मतलब एक एक काम सब कुछ कुक किया है। मैं अम्मी के पास बैठी हूँ और जो अच्छी बात नहीं, खुशी नहीं हो रही, बहुत खुशी हो रही इस चीज़ की। तो खुशी हो रहा है कि अम्मी जब कुकिंग करती हैं और उसका मज़ा ही कुछ और होता है, खाने का जायका ही कुछ और होता है जो अम्मी बनाती हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप, मुझे तो चावल अम्मी के हाथ के इतने पसंद है, मैं कहती हूँ अम्मी आप बनाया करें। मैं जब खुद बनाऊँ तो मेरा दिल नहीं करता खाने को, दिल करता है कोई और बनाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो थोड़े से खाऊंगी अम्मी बना रही, इसलिए मैं खुद बना रही हूँ ताकि मेरा दिल ना करे। जब ये बनाती है ना तो मेरा दिल करता है। तो बस अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, किसका दिल नहीं करता कि अपनी बेटियों को आराम दे, क्योंकि बेटियों के नसीबों का क्या पता, अगले घर जाके पता नहीं आराम मिलता है कि नहीं। तो माँओं की यही ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियाँ आराम करें। पापा जुमा पढ़ने गए हैं, मैं तो इंशाल्लाह ताला, क्या कह रहे हो? मैंने कहा पापा जुमा पढ़ने गए हैं, घर आए हैं ब्रेक के लिए, फिलहाल ना आ रहे हैं अभी। बाकी सबने कपड़े चेंज कर लिए हैं, कैमरा मैन थोड़ा सा बिजी था, उसने भी सारा काम किया, अभी क्लोथ में चेंज कर लिए हैं, अभी जुमे में कुछ टाइम है। मैंने आलू मटर को अच्छे तरीके से भुना है और थोड़ा सा पानी दे के ना बॉयल
भी किया थोड़ा सा, मतलब पानी डाल के, ताकि मटर आजकल जो आ रहे हैं ना वो जल्दी गलते नहीं है, इसलिए मैंने इनको पानी डाल के थोड़ा सा बॉयल किया। अब मैं पानी डालूँगी दालों के लिए, जिसकी लाइट करता हूँ और डाल काफ़ी देर के भिगोए हुए हैं चावल, इतना काफ़ी है। अब ये मेरी दाल बन गई है, सही है। मेरी कब बनना है? मैं बात कर रही थी कि सीखो ना कुछ। हाँ गर्मियों को हमने ना, गर्मियाँ जब आ जाएंगी ना फूट, तो रोटी खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हारी फिर मैं, ठीक है, सोचेंगे सोचेंगे, नहीं ऐसे ही देखेंगे, सोचेंगे नहीं नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल। कर मैंने भी पढ़ लिए तो मैंने दम लगा के नमाज पढ़ी, अब खोल के देखते हैं माशाल्लाह से बन गए हैं चावल। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बने माशाल्लाह। अब इनको बांधते हैं, लोगों के घरों में भेजते हैं, अल्लाह पाक मंजूर करे और हमारे घर में बरकत हो, सबके घरों में बरकत अल्लाह पाक दे। आप लोग भी अपने अपने घरों में दिलाते होंगे जरूर नियाज ग्यारहवीं शरीफ की, जितनी हसीयत हो बंदा उतना तो कर ही सकता है, ज़्यादा की तफीक भी अल्लाह पाक दे हर किसी को, तो अल्लाह ज़्यादा की तफीक दे तो ज़्यादा कर दे, नहीं तो जितनी बंदे की एक साल क्या कहते हैं तफीक हो उतनी तो बंदे को ज़रूर करनी चाहिए। शराज जुमा पढ़ के आ गया और पता नहीं क्या ढूंढ रहा है नेट से कि कुछ मैं देख लूं, और साथ में खा रहा है चावल ये पड़े हुए हैं। कैसे बने हैं शराज मामा ने आज बनाए हैं? जबरदस्त जबरदस्त दही डाल के केले केले खा रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कहवा, जिसमें मैंने सिर्फ चार चीज़ें डाली हैं, थोड़ा सा पुदीना, अदरक और थोड़ी सी सौंफ और दालचीनी और दो कप पानी, और चावलों के बाद थोड़े से मैंने चावल खाए हैं, तो ये मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ खुद, और इसको हम पियेंगे थोड़ा सा लेमन डाल कर। यहाँ पे श्रास का सामान बन रहा है और अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी शाम के लिए, चाय बनी हुई है मैं गर्म करके देती हूँ, और मामा सामने लेटी हुई हैं और वो श्रास भाई बैठे हुए हैं अंदर। सालन आपी ने बना लिया है, आलू थोड़े से हो गए हैं मतलब गल गए, अब हम इसमें मिर्चें डाल देते हैं, 10-15 मिनट में ये भी बन जाएंगे। चावल जो है ना वो हमारे ख़त्म हो गए, हमने घर में बिल्कुल भी नहीं रखे, सारे तकसीम कर दिए हैं, और ये सब रात के लिए बन गए। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, मैं खाना बना के तो सो गई थी और व्लॉग को 2-3 हो गए एंड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा व्लॉग को आज एंड अच्छे तरीके से कर दूँ, तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। तो हमें दे इजाज़त, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर कमेंट भी करना है, तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, हमें दे इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।